जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ एक दिन पहले हड़ताल पर चला गया, जिसमें जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे जिले भर में इलाज न मिल पाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में मरीज विदिशा जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक ही पलंग पर दो मरीजों को रखा जा रहा है। कुछ मरीजों ने बताया कि पेयजल की पूर्ति यहाँ नहीं हो पा रही है, बाहर से पानी लाना पड़ता है। साथ ही नर्सिंग स्टाफ का ना होने से कुछ डॉक्टर ठीक ढंग से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। मरीजों ने बताया कि वार्ड में मौजूद शौचालय भी साफ सुथरा नहीं है। इन सब बातों को लेकर मरीज इन व्यवस्थाओं से खुश नहीं है। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और प्रभारी CMHO डॉक्टर संजय खरे ने कहा कि सिविल की सीमित व्यवस्थाओं के साथ हम ज़्यादा मरीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ आए प्रत्येक मरीज को इलाज मिल सके। कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं कमी की बात हमने स्वीकार की है। इनका कहना है कि 300 बिस्तर का अस्पताल हमारे पास है, जबकि 500 मरीज भर्ती हैं। ऐसे में एक पलंग पर दो मरीज रखना हमारी मजबूरी है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है? दीपक। कहाँ से आए हो? बिशनपुर से। क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जिला अस्पताल में? कुछ नहीं है व्यवस्थाएं। देखो दो दो सो रहे हैं, एक पल का दिक्कत हो रही है। क्या परेशानी है? सोने में दिक्कत आ रही है। एक बेड की दो दो करेंगे जी, दो दो मरीज करेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? रेखा जी। कहाँ से आई हो? ग्यारसपुर से। अंबार से जी, अंबार से आई। अभी जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं आप? एक बेड पे दो दो लोग सो रहे हैं। हाँ, एक बेड पे दो दो लोग सो रहे हैं। तो क्या परेशानी आ रही है? पलंगों की परेशानी आ रही है। लेट भी नहीं पा रहे हैं, लेट भी नहीं पा रहे हैं। कल से हम परेशान हो रहे हैं। खाने के लिए कोई साधन वगैरह दिए? वही तो कह रहे हैं, साधन चाहिए। अभी कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया अभी। जी मेरा नाम श्रीकांत यादव है। कहाँ से आए हैं? गंजवास से। क्या जी? नर्सों की हड़ताल की वजह से यहाँ पे मरीजों को छुट्टी कराने में थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही है, क्योंकि नर्सों का काम डॉक्टरों को करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मरीजों पर चढ़ा के भी पड़ रहे हैं वो लोग, और मरीजों की छुट्टी में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। और क्या व्यवस्था है? और व्यवस्था ऐसा है कि यहाँ पे बाथरूम में 3 दिन से यूरिन पॉट का जो पानी है वो लगातार बह रहा था, तो मैंने यहाँ पे शिकायत भी की थी, लेकिन 2 दिन में अभी भी कोई सुधार नहीं आया उसको। लगातार पानी फैल रहा है और ये नर्सों की हड़ताल से काफ़ी अव्यवस्थाएँ फैल चुकी हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू। कहाँ से आए हो? सतपाड़ा हाट। जिला अस्पताल आए हो आप? किसी आए? रेवड़ी कराने। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी जा रही, रेवड़ी नॉर्मल हुई और छुट्टी नहीं दे रहा ना कोई इलाज। इलाज बोल रहे हैं कैस का BPL कम है, तो मैंने बोला छुट्टी कर दूँ। छुट्टी के अलावा के लिए अभी मैंने कि इलाज चल रहा है, कौन सा इलाज चल रहा है? तो उन्होंने बोल दिया कैस को खून की कमी है। तो खून की कमी मैंने बोला, मैंने खून की कमी तीन तीन चार चार बार खून निकाला हुआ है, तीन चार चार बार शरीर निकाल तो निकाला। मैंने कि आप खून की कमी बता रहे हो घर, लेकिन छुट्टी क्यों नहीं हो रही? खून निकाल रहे हो आप, खून निकालते जा रहे हो और खून की कमी बता रहे हो। ना कोई इलाज है, ना कोई साबूत है, ना छुट्टी दे रहा है। छुट्टी की मांगते हैं, छुट्टी भी नहीं देते। और अस्पताल में क्या व्यवस्था है? नहीं व्यवस्था, व्यवस्था कुछ नहीं है। लेटरिन को हमको नदी जाना पड़ता है, और पूर्व कुछ नहीं, पंखे भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं। अरे लेटरिन में बाथरूम नहीं कर पा रहे हम, बाथरूम बाहर जाते हैं और लेटरिन में जाएंगे तो लेटरिन में नहीं घूमने देते, पूरी गंदी पड़ी है लेटरिन, इतनी इतनी भरी है लेटर में, वो बैठने को जगह नहीं है पास में। सर, नर्सों के स्टाफ के जाने से काफ़ी अव्यवस्थाएं? अवस्थाएं नहीं हैं, हमने यथासंभव संसाधन और मानव संसाधन जुटाने की कोशिश की है। हमारे पास नर्सिंग स्टाफ और CHO की सेवाएं ली जा रही हैं, हमारे डॉक्टर्स भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। समुचित संसाधनों में समुचित उपचार देने की प्रयास किया गया है, और मेरे ख्याल से अभी उतना प्रयास सफल भी रहा है। सर, एक वरुण घाट के अंदर कुछ ऐसी खराब है, कुछ चल नहीं रहे। वरुण घाट के बारे में सुन लीजिए, नहीं नहीं, उसके बारे में आपको दो चीज़ें बताऊं। वर्ण बाढ़ जहाँ पर, वहाँ पे चारों AC चालू हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत ठंड लगती है तो वो खुद बंद करवा देते हैं। और जहाँ तक मच्छरदानी की सवाल है, मच्छरदानी दो प्रकार की मच्छरदानी मेरे पास हैं। एक तो वो अर्ध गोलाकार फ्रेम है, उसके ऊपर मच्छरदानी का कपड़ा या वो कपड़ा जो लगाते हैं वो लगा लेते हैं,
दूसरा मच्छरदानी सिस्टर से मांगने पे मिल जाती है। कपड़े चादर लपेटे हुए वो इसलिए लगाते हैं कि उनको कुछ ना आए। हमारे पास मच्छरदानी है लेकिन वो आम जनता उसको पसंद नहीं करती। सर उसके लिए भी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मेरा 300 बेड का अस्पताल है और इस पर कम से कम 500 से ज़्यादा मरीज रहते हैं। उसके लिए मैंने पत्र लिखा है, संसाधन उपलब्ध हुए होते साथ मैं सबको एक एक बेड दूंगा। और दूसरा, आप लोगों को भी पता है कि पहले हम जब पुराने परिसर में थे तब हमारे पास सेवाएं कम थी, नए अस्पताल में थोड़ी सी सेवाएं बढ़ी हैं जिसके कारण लोगों का संख्या भी इलाज करवाने की या डिलीवरी कराने की बढ़ी है। पहले हम करीब 100 या 150 डिलीवरी कराते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 कराते थे, आज लगभग 500 से 600 के बीच में होती है। सीजर भी हमारे प्रतिदिन 7-8 होते हैं जो कि करीब टोटल 200 के आसपास पहुंच जाते हैं। हम सीमित संसाधनों में प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। उसमें कई बार वो उतनी सेवाएं नहीं पहुंचा पाते तो उसके लिए प्रयास जारी हैं और जल्द से जल्द वो सेवाएं हम उपलब्ध कराएंगे। और मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो 700 बेड वहाँ पे भी चालू हो जाएंगे तो मेरे पास ऐसी समस्या नहीं रहेगी। सर, लोगों ने साफ सफाई का भी इस बारे में मैं आप एक बात के बाद बोल सकते हैं कि आप पुराने अस्पताल में और नए अस्पताल में यहाँ कोई आपको बदबू आ रही है क्या, अस्पताल की कोई स्मेल आ रही है तो बात करें। लोगों का कहना है कि जो औरतें रहती हैं कुछ उस टॉयलेट में चली जाती हैं जो वेस्टर्न स्टाइल का, तो उन्हें समझ में नहीं आता तो नीचे बैठ जाती हैं तो वो गंदगी हो जाती है, उसको भी हम सफाई करवा देते हैं। और जहाँ तक जन सहयोग की मुझे ज़रूरी है कि लोग बाग चलते चलते गुटखा ना खाएं और थूके ना, वो तो मैं नहीं करता, अगर उस जन सहयोग रहेगा तो ये भी हम दुरुस्त कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।